जब आपने नेपाल का वीजा लिया तो आप भारत का वीजा भी ले लेती। तो हम हैदर भी भारत आएंगे। देखिए सरकार कभी किसी को मना नहीं करती। हमारा हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो स्पेशल जो लोग भारत के वीजे के लिए अप्लाई करते हैं उनको बुला करके इंटरव्यू करता है। इसके पीछे क्या मामला? अरे भाई वो एक उसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसमें 5 साल की हम सजा कराएंगे उसको, 5 साल की सजा का प्रोविजन राजनीति में उसका क्या? और राजनीतिक संरक्षण को अब तक तो सामने आया नहीं, आएगा तो उसको भी देखेंगे क्या दिक्कत है। हमने उसके अंदर जो मेन जो रीजन है वो ये बताए हैं कि भाई आप एक पढ़े लिखे वकील हैं, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं, तो किसी भी वकील के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, कोई क्लाइंट हो, परिवार का हो, कोई भी हो, वो ये कहे कि मेरी शादीशुदा हो व्यक्ति और वो दूसरी शादी करना चाहे, तो कम से कम उस वकील की ये जिम्मेदारी है कि वो डिवोर्स की डिग्री तो देख ले। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर AP सिंह सरेआम एक पत्रकार को भी धमका रहे हैं, मैंने मीडिया पे देखा कि उसको बुरी तरह धमकाते हुए कहते हैं कि नहीं, सीमा को सीमा सचिन मीरा बोलिए, सीमा सचिन मीरा बोलिए। किस आधार पर आप कह रहे हैं? जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तलाक सीमा हैदर का और गुलाम हैदर का नहीं हुआ, भारत में कोई तलाक सीमा हैदर का और पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस वक्त ये पाकिस्तान से चली उस वक्त भी इसने गुलाम हैदर को जो है अपना पति ही माना, कागजों के अंदर पासपोर्ट के अंदर पति का नाम मेंशन है, 2 पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट के अंदर जो इससे रिकवरी हुए हैं इसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा लिया उस वीजा के अंदर भी जो है वो जो ना पति का गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो नेपाल आई, नेपाल के अंदर भी जो है इसने जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर नेपाल सरकार से आवेदन किया, जो उसका वीजा का आवेदन है, जो वीजा मिला, सबके अंदर जो ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। उसके बावजूद जो इससे सामान रिकवरी हुआ, एक इससे NIC रिकवरी हुई, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ऐसी वहां की पाकिस्तान की NIC होती है, जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके अंदर वाइफ ऑफ जोन गुलाम हैदर लिखा हुआ है। बच्चों के जो पासपोर्ट रिकवरी हुए, 4 पासपोर्ट चारों बच्चों के, उनके अंदर उनका पिता का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और तो और जो इसने एयरलाइंस की टिकट ली उसके अंदर भी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जिस वक्त ये भारत में आई और ये पकड़ी गई, जो इसको 3 तारीख 7 महीना 2023 में सेक्टर 59 बल्लभगढ़ हरियाणा से पकड़ा गया और बाद में FIR रघुपुरा में 4 तारीख को दर्ज की गई, तो उस FIR के अंदर भी वाइफ ऑफ लिखा हुआ है। और जो इसने बेल एप्लीकेशन, इसको जो बेल एप्लीकेशन जेवर कोर्ट में फाइल की, उसके अंदर भी जो है ना गुलाम हैदर की पत्नी लिखा हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो 7 तारीख 7 महीने में जो ऑर्डर किया इसकी बेल के, उसके अंदर भी जो है ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो मैंने पिटीशन फाइल की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, अब तक जांच कहाँ है, इतना लंबा समय 7 महीने 15 दिन हो गया, इतना लंबा समय कहाँ गुजरा रहा, आपने क्या क्या किया और बच्चों को मेडिकल क्यों नहीं कराया, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं गुलाम हैदर को दी। तो उस पर भी जो ऑनरेबल जज साहब ने ऑर्डर किया है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ, उस ऑर्डर के अंदर भी जज साहब लिखते हैं कि प्रेमा फेसाई एविडेंस जो पुलिस के पास अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग जो है सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि सचिन की वाइफ है, और वो भी पब्लिकली सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, एक व्यक्ति की वाइफ को आप दूसरे की वाइफ बना रहे हो, एक वकील होते हुए आप उसके बच्चों का धर्म चेंज कर रहे हो। अगर एक तरफ तो आप कहते हो प्यार में आइए, तो प्यार में तो कोई धर्म जाति मजहब कुछ होता ही नहीं। अगर आपकी बात मान ले कि आप प्यार में आए हो, तो प्यार में ना कोई नीचा देखा जाता है, ना कोई ऊपर वाला देखा जाता है, ना कोई धन दौलत वाला देखा जाता है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर देखा जाता है, ना उसकी शक्ल देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, और ना पैसा देखा जाता है, और ना जाति पाति कुछ देखी जाती है। तो फिर आप बच्चों का धर्म चेंज क्यों करा रहे हो? आपको अगर प्यार सीमा हैदर से था तो आप उसको मोंडन रहते हुए भी आप उससे प्यार कर सकते थे, आपको क्या जरूरत थी धर्म का आडंबर करने की? बच्चों का एक वकील होने के नाते वकील का कर्तव्य है कोर्ट में केस लड़ना या बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना? बताइए, हम भी एडवोकेट एक्ट के तहत जो है ना वो एडवोकेट एक्ट से हम बाउंड है, जो एडवोकेट एक्ट कहता है उससे बाहर हम नहीं जा सकते, आपका काम है ये। इसलिए आपको 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया जाता है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए जनता से जो आप गुमराह कर रहे थे, और आप जो है इतने कंपनसेशन दीजिए। सचिन को भी हमने जो
3 करोड़ का नोटिस दिया है, जो कि पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए करेंसी बनती है, उससे भी हमने यही कहा है कि आपने बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा कि एक पाकिस्तानी महिला को मैंने इंडिया में एंट्री करा दिया, उसका आपके ऊपर चार्ज लगा 120B का फॉरेन एक्ट में, और जो बेल एप्लीकेशन आपने फाइल की कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने शादी कर ली, और शादी तो आप तक रहे हो पब्लिक के सामने रील बनाकर सोशल मीडिया पे, और वैसे किस आधार पर आप बना रहे हो ये बताइए। इसलिए उसको हमने 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, सीमा हैदर को भी हमने 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, उससे पूछा जा रहा है कि जब आप पाकिस्तान में थी और हम आपकी अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, हम ज्यादा कमाने के लिए हम सऊदी अरब गए वीजा लगा करके, और वहां से ज्यादा कमाने की नियत से हम वहां काम करने के लिए गए, किसके लिए गए थे, वो सीमा के लिए गए थे, उन बच्चों के लिए गए थे ताकि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, और आपको वहां से पैसे भेज रहे थे, तो आपने हमारी हस्ती हमसे दूर क्यों किया, अब हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, आपने बिना तलाक लिए क्यों सचिन के साथ जो ना रहना शुरू किया इलीगल तरीके से, आपने सबसे सबसे पहली बात जब आपने नेपाल का वीजा लिया तो आप भारत का वीजा भी ले लेती, आप क्यों भारत की सीमा के अंदर इलीगल तरीके से जो है वो एंट्री कर गए, क्यों किया आपने ऐसा, आपने तो जो दूसरे लोग भारत का वीजा लेना चाहते हैं आपने तो उनके भी रास्ते बंद कर दिए, तो आपने कानून की पालना क्यों नहीं की, और किस हैसियत से आप जो है अपनी मांग के अंदर और सिंदूर भर रही है दूसरे के नाम का, को जो ना आप जो ना बदनाम कर रही है, क्यों कर रही है। सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, एक बेहतरीन धर्म है, सनातन धर्म की जो औरतें हैं जब तक उसका पति जिंदा रहता है और वो किसी के नाम का सिंदूर सनातनी बहने अपनी मांग में डाल ही नहीं सकती, आप तो सनातन को बदनाम कर रही है, आप सनातन को समझ ही नहीं पा रही क्या सनातन धर्म है। सावित्री थी, सावित्री अपने अपने पति के प्राणों को किससे वापस ले आई थी, अपने पति के प्राणों को जो प्राण लेके जाते हैं देवता उनसे वापस ले आई थी ना, वो है भारतीय नारी। सर आप ये बताइए कि अब जो गुलाम हैदर है, आप कानूनी लड़ाई तो आप लड़ेंगे कोर्ट में पेश होंगे सर उनकी तरफ से, तो क्या गुलाम हैदर भी भारत आएंगे? देखिए अगर मुझे लीगल रिक्वायरमेंट पड़ी तो जरूर बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा, कानूनी जरूरत मुझे पड़ी उनके एविडेंस की, उनकी गवाही की, उनके बच्चों के सिलसिले से, उनकी केस के सिलसिले से जरूर बुलाऊंगा, और भारत सरकार उसको वीजा देगी, भारत सरकार लीगल काम में कभी भी भारत सरकार किसी को मना नहीं करती है, भारत सरकार हमेशा सच्चाई के साथ है, भारत सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है, अगर इसको वीजा नहीं मिला था भारत सरकार से गुहार लगाती है, तलाक लेके आती तो भारत सरकार इसको मना क्यों करती, ये इलीगल तरीके से क्यों आई भारत के अंदर, भारत सरकार कभी किसी को मना नहीं करती, हमारा हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो स्पेशल जो लोग भारत के वीजे के लिए अप्लाई करते हैं उनको बुला करके इंटरव्यू करता है, पूछता है आने का कारण, और जनरल लोगों को वीजा देता है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि बगैर गुलाम हैदर के आए और आप केस लड़ते रहे और ये उनकी कानूनी लड़ाई? नहीं वो तो मैं समझूंगा ना, वो मेरा काम है, वो तो डॉक्टर को पता होता ना कि बीमारी क्या है और कहाँ से ठीक होगी, कौन सी दवाई देनी, हाँ तो कौन सी दवाई देगी, कौन सी रिएक्शन करेगी, फोड़ा कहाँ है, उसका चीरा कब लगेगा, ऑपरेशन कब होगा, कैसे उसकी जो ना उसका गंद माल बाहर निकाला जाएगा और कब उसको टाके लगाए जाएंगे, तो डॉक्टर का काम है ना, ये तो लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं, हमें पता है ना कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम करेंगे इसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई। एक सर जब वो पाकिस्तान से भारत जैसे ही एंट्री हुई तब से ही वो सुर्खियों में लगातार, और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीति में आ सकती है, तो क्या है कुछ इसके पीछे क्या मतलब? अरे भाई वो एक उसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसमें 5 साल की हम सजा कराएंगे उसको, 5 साल की सजा का प्रोविजन, राजनीति में उसका क्या मतलब है, वो भारत के नागरिक को ही है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कानून के मुताबिक वो भारत में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, वो भारत में इलेक्शन नहीं लड़ सकती जब तक कि भारत की नागरिकता ना मिल जाए, और भारत की नागरिकता किन लोगों को मिलती है जो लीगल तरीके से भारत में आए, और पहले 10 साल का पीरियड था, अब 7 साल तक रेगुलर रहना पड़ेगा और अपने आचरण को अच्छा रखना पड़ेगा, कोई FIR उसके खिलाफ दर्ज नहीं होनी चाहिए जब जाके भारत की नागरिकता मिलती है वो लीगल तरीके से आओ तो तब। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप इसमें मानते कि राजनीतिक संरक्षण भी है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता राजनीतिक संरक्षण है, पुलिस का काम है, एक FIR दर्ज हुई है, बाकी हम वकीलों का काम है, कोर्ट का काम है, और राजनीतिक संरक्षण को अब तक तो सामने आया नहीं, आएगा तो उसको भी देखेंगे क्या दिक्कत है।